नमस्कार, मैं हूं अमरीश और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। मित्रों, जब से मनीष कश्यप की जो है कि अरेस्टिंग हुई है, जब से जो है कि अपने आप को सरेंडर कर दिया है, तब से समझिए कि बिहार में भूचाल सा आ गया है। तारीख पे तारीख उनको मिलती जा रही है। हमको जहाँ तक पता है तीसरा या चौथा ये तारीख आने वाला होगा। 8 तारीख को उनकी सुनवाई है और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है। बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं कि मनीष कश्यप का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और वहाँ के जो जज साहब हैं उनको जो है कि मनीष कश्यप के जो भी सपोर्टर लोग हैं, जो भी उनको प्यार करने वाले लोग हैं, खून से लिखा हुआ पत्र भेज रहे हैं। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, ये काफ़ी सारे दावे हैं जो कि सोशल मीडिया पर झूठ भी फैलाए जा रहे हैं। इन्हीं सब मैटरों पर बात करने के लिए हमारे साथ हाई कोर्ट के वकील हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे इन सभी मैटरों पर बात करेंगे। सर, सबसे बड़ा सवाल ये रहेगा मेरा कि मनीष जी की रिहाई कब होगी, इसके बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं आप? देखिए, सबसे पहले ये बात आप समझिए, बहुत लोग उतावलेपन में कोई बातें करते हैं जी। ये जो मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है वो बेल के रिगार्डिंग नहीं है, उनके जेल से बाहर के निकलने की रिगार्डिंग बात नहीं हो रही है। वहाँ मामला बहुत ही सेपरेट है। वहाँ दो बातों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में, पहली बात ये कि दो राज्यों में इनके ऊपर केस हुआ, बिहार में और तमिलनाडु में, तो एक ही मुकदमे में व्यक्ति को बिहार में भी रहना पड़ रहा है और तमिलनाडु में भी जाना पड़ रहा है। तो एक आवेदन पड़ा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये गुजारिश की गई आवेदन के माध्यम से कि इनका एक ही अपराध का, अपराध इनके ऊपर जो एलिगेशन है उसके मुताबिक कि कुछ भ्रामक खबर इन्होंने फैलाया, तो भ्रामक खबर के नाम पर इनको जो है सो बताया गया कि ये तो यही को आधार बनाकर तमिलनाडु में भी केस हुई और बिहार में भी हुई। तो एक ही जगह केस को ट्रांसफ़र कर दिया जाए, यानी कि पटना में इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो एक सहूलियत होगी। तो उस पर आवेदन पर सुनवाई और ट्रांसफ़र करने की शक्ति माननीय सुप्रीम कोर्ट को है, चूँकि दो राज्यों में था अलग अलग, तो ऐसे परिस्थिति में माननीय सुप्रीम कोर्ट को ही शक्ति है कि वो एक जगह कर सकते हैं। तो वो आवेदन दिया गया और जब उस आवेदन पर सुनवाई हो रही थी उसी दौरान खबर आई कि इनके ऊपर NSA लगा दिया गया, तो उसी में फिर उसका रिलीफ नहीं था। तो उसके बाद इस बात पर भी एक पिटीशन पड़ा कि इनको NSA जो लगाया गया है वो उचित नहीं है। तो इन दोनों बिंदुओं पर सुनवाई के लिए डेट निर्धारित की गई। तो डेट निर्धारित के बाद कानूनी प्रक्रिया होता है कि सरकार के विपक्ष को जानना पड़ता है, दोनों तरफ के सुनने के बाद न्यायालय में कोई निर्णय होता है। तो उसी पर जो है सो 8 तारीख को तक का समय दिया गया था कि स्टेट गवर्नमेंट तमिलनाडु को कि आपको जो भी जानकारी देनी है इस संदर्भ में आप दीजिए, और उसके बाद ये तय हो जाएगा कि NSA जो लगा हुआ है इनके ऊपर वो उचित है या अनुचित है, ये इट विल बी डिसाइडेड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो यही वो इशू पर वहाँ पर वो सुनवाई होनी है। और ये जो जहाँ तक बात है कि विथ रिगार्ड टू द ट्रांसफर ऑफ दिस केस टू द पटना, तो उसके संदर्भ में भी फैसला उस दिन आने की उम्मीद है। तो अभी जो मनीष कश्यप का वहाँ पर वो इशू क्लियर हो जाता है, तब अन्य मामले में जो बेल पिटीशन का जो मामला है, जो बेल कभी भी स्टार्ट होगा रेगुलर बेल, तो निचली अदालत से शुरू होगा, मजिस्ट्रेट के पास से सेशन में, सेशन के बाद हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट, ये चैनल है। और जिस स्टेज में उनको बेल मिल जाए तो वो बेल की प्रक्रियाएं शुरू होगी, क्योंकि जितने भी केस में इनके ऊपर केस हुए हैं सभी में बेल लेंगे तभी वो बाहर निकलेंगे। तो लोगों में जो एक एक्साइटमेंट है कि कितने दिनों के बाद जेल से बाहर निकलेंगे, तो ये लोगों में जो भ्रम की स्थिति है कि 8 तारीख को निकलेंगे वो सरासर गलत है, वो इतनी जल्दी नहीं निकलेंगे। वहाँ यदि वो NSA हट भी जाता है तो भी बेल की प्रक्रियाओं से होकर गुजरने में उनको प्रोसेस में 5 से 6 महीने का वक्त लग सकता है जी। और बहुत सारे ऐसे खबरें में दावा किया जा रहा है खबर में कि जो भी जज हैं उनको खून से लिखा हुआ पत्र भेजा जा रहा है, क्या इसमें सच्चाई है? आप लोग वकील हैं तो आप लोगों को इसके बारे में कुछ जानकारी? देखिए, इस बिंदु पर अज्ञानतावश लोग कुछ बातें कर रहे हैं। मैं आपको जानकारी के बता दूं कि ये अफलातूनी स्टाइल से कोर्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इमोशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और कोई व्यक्ति यदि खून से चिट्ठी लिखेगा तो एज पर्सनल लेवल पर जज को कन्विंस करने की कोशिश करेगी तो उनके विरुद्ध कोर्ट के अवहेलना का मामला चलता है, केस होता है और वो जेल जाते हैं। तो यदि इस तरह की बातें यदि है भी तो जो व्यक्ति ने इस तरह का किया है उसके खिलाफ भी एक्शन कानूनी रूप से हो सकता है। आप पर्सनली सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस को या रजिस्ट्रार को कोई भी इमोशन भरा चीज़ आप नहीं कर सकते, यदि वो करेंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई होती है और कार्रवाई के लिए उनको तैयार रहना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ से केस कमज़ोर होता है। और जस्टिस साहब भी जो उनके शुभचिंतक भी हैं यदि मनीष का, तो उनको भी माने इससे केस ख़राब होगा, जज चिढ़ जाते हैं कि इस तरह का क्यों करवा रहा है, तो इससे जो है सो मनीष के केस को और कमज़ोर ही होगा। इसीलिए यदि कोई इस तरह का प्लान भी कर रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं।
लोग ये जानना चाहते हैं कि जितने भी पत्रकार लोग हैं, कभी किसी वकील साहब को पकड़ ले रहे हैं, कभी किसी वकील साहब को, और तमाम तरह के वकील साहब लोग हैं जो कि अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं, वाकई में अगर हाई कोर्ट का मामला देखा जाए तो हाई कोर्ट में मनीष जी के वकील कौन है, कि आप हैं कि कोई और है, और सुप्रीम कोर्ट में मनीष जी के वकील कौन है? देखिए, आपको जानकारी के लिए बता दें कि आपने जो कहा कि लोग बयान देते हैं, तो इंडिविजुअली तौर पर आज के यूट्यूब के चैनल के दौर में लोगों को जो जहां मन होता है व्यूअर्स के चाहत में, वो अपनी बैठ के लिए किसी से भी वो बात कर सकते हैं, उनकी स्वतंत्रता होती है कुछ इन्फॉर्मेशन। जहां तक बात है कि इस केस के रिगार्डिंग, तो कुछ चीज़ों को राज रहने दीजिए, इससे फ़ायदे होता है केस के रिगार्डिंग। तो शुरुआती दौर में सभी लोग को मालूम है ये रिकॉर्ड का चीज़ है, वकालतनामा पर नाम का जिक्र होता है, तो वहाँ से भी आप अवलोकन कर सकते हैं कि कौन है, आपको पता चल जाएगा शुरुआती। अभी ये मामला हाई कोर्ट में है नहीं, ये मामला अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट में है या निचली अदालत में है, अभी हाई कोर्ट में मामला ये आया ही नहीं है। तो ये का सवाल पूछना कि हाई कोर्ट में कौन वकील है, वो उचित नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट में कौन वकील है, उसमें भी 3 बार वकील चेंज हुआ है जी, सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग डेट पर अलग अलग, चूँकि वो जब असफलता मिलती है तो लोगों को लगता है इनसे बात करने पर, वो सब तो हुई है, लेकिन वो सलाह मशवरा इस केस में हमसे लोग लेते हैं, और मैं अन्य जो अभियुक्त हैं इस केस में, बहुत सारे न्यूज़ चैनल पर केस हुआ है, बहुत लोगों का मैंने बेल अभी फाइल किया है, तो उन लोगों को अन्य चैनल जो हैं, इसमें हिंदुस्तान पर भी केस हुआ है, देन वो अमर उजाला का भी जिक्र है, पटना तक यानी कि वो आज तक की बात कहा जाता है बिहार तक में जी, तो उनको भी उनका भी जिक्र है, उनके पोर्टल का भी, तो अनेकों लोगों का है, तो उसमें से बहुत सारे लोगों का केस मैं बिल के लिए आवेदन किया हूँ, जिस पर अभी सुनवाई 12 तारीख को इस पे सुनवाई है। तो मुख्य रूप से बहुत सारे चैनल वाले खबर को चलाए, प्रिंट मीडिया हो या डिजिटल मीडिया हो, या फिर कहे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर बिहार में भी मुकदमा हुआ है, तो मुख्य रूप से मनीष जी को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है, इसके पीछे का कुछ रीजन समझ में नहीं आ रहा है? देखिए, कानूनी बिंदु पर हमसे बात करेंगे तो हम बहुत ऑथेंटिक तरीके से जानकारी देंगे। अब ये उनको क्यों टारगेट किया जा रहा है, तो ये पॉलिटिकल बयान होगा, और उसके लिए सभी पार्टी के अधिकृत तौर पर प्रवक्ता होते हैं, इस संदर्भ में आप उनसे बयान लेंगे तो ज्यादा अच्छा। मेरा कहने का मतलब है उनके अलावा भी 2-3 लोग हैं जिनके ऊपर FIR हुआ था, तो बाकी लोगों पे NSA नहीं है, मनीष जी के ऊपर NSA क्यों? क्योंकि वो लोग भी तो वही चीज दिखाए थे। अनुसंधान के दौरान अभी लगभग 700 पेजों का डायरी कोर्ट में सबमिट किया गया, तो बहुत सारी बातें हैं, वो अभी हम यदि उससे पहले मैं आपको बोल दूंगा, न्यायालय से पहले बात कैमरा पर रखना उचित नहीं है, पहले न्यायालय के सामने बात रख के तब कैमरा पर रखा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो अभी वो सब सारे चीज़ आने दीजिए, आपको विगत 12 तारीख के बाद आपको जब इसमें सुनवाई होनी है माननीय सेशन न्यायालय में, तब उसके बाद हम आपको बता देंगे कि इसमें क्या हो रहा है। 12 को सुनवाई है जिसमें मैं अपीयर कर रहा हूँ, तो आपको डिटेल बताऊँगा। तो सब मिला जुला करके अभी जो है कि केस को क्लब करने का और बिहार में ट्रांसफर करने का जो है कि मुकदमा भी चल रहा है, उसके बाद से बेल का होगा। यस। तो सर, जैसा कि देख रहे थे कि अभी हमारे साथ वकील साहब थे, खुल करके अपनी बातों को बताया कि किस प्रकार से जो है कि मनीष जी के ऊपर जो है कि मुकदमा लगाया गया है, उस मुकदमे को एक जगह क्लब करके बिहार के हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने का जो है कि अपील दायर किया गया है। आने वाले समय में जो है कि इसका तारीख पड़ा है 8 तारीख को, देखते हैं कि 8 तारीख को जो है कि मनीष जी के पक्ष में कुछ फैसला आता है कि नहीं, और क्या केस को क्लब करके और बिहार में ट्रांसफर किया जाता है कि नहीं। और आप लोग मनीष जी के बारे में क्या सोचते हैं, इस केस के बारे में क्या सोचते हैं, इस मैटर के बारे में क्या सोचते हैं, वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।